नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के 25वें स्थापना दिवस पर जल का अधिकार मानव अधिकार संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य में पानी को लेकर जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने जल का अधिकार कानून बनाने के साथ ही नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नाथ ने आयोग द्वारा आम लोगों को ऑनलाइन शिकायत करने के लिए बनाए गए पोर्टल का लोकार्पण और जल पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने भोपाल में छोटा तालाब के खटलापुर घाट पर हुई नाव दुर्घटना पर गहन दुख व्यक्त किया है। श्री नाथ ने कहा कि मैं इस दुर्घटना में मृत लोगों के परिजनों के दुख में सहभागी हूं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 11-11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश से संबंधित मुद्दों का तत्काल रिपीट। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश से संबंधित मुद्दों को तत्काल मैत्रीपूर्वक हल करने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक बुलाने का आग्रह किया है। श्री कमलनाथ ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लिखे पत्र में मध्य प्रदेश के हितों की अनदेखी होने की विस्तार से जानकारी दी है। जनसंपर्क और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री पीसी शर्मा ने 5 दिवसीय विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विज्ञान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उन्हें मातृभाषा में विज्ञान का ज्ञान कराया जाए। भोपाल के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी और विधायक आरिफ मसूद ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर नाव हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उनको ढांढस बंधाया। जनसंपर्क मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि दुर्घटना बहुत दुखद है, दुर्घटना की विस्तृत जांच कराई जाएगी, पता किया जाए कि घटना कैसे हुई, समस्त व्यवस्थाओं के बावजूद कहां कमी रह गई। इन सब तथ्यों का पता लगाकर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ जिले के ग्राम पिपलिया कुलमी में आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही निराकरण भी किया। श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की हर समस्या और परेशानी का समाधान किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने श्री कैलाश पाटीदार की करंट से मृत्यु पर उनकी पत्नी को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने खटलापुरा में हुई नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री सिंह ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश नगर निगम को दिए हैं। नगर निगम भोपाल द्वारा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा 11-11 लाख रुपए और रेडक्रॉस द्वारा 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रकाश तरुण पुष्कर में 65वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि जीवन में खेल का भी उतना ही महत्व है जितना पढ़ाई का है। उन्होंने कहा कि खेल ही जीवन में अनुशासन, सहयोग, सद्भाव और आपसी सहयोग की शिक्षा देते हैं। जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा ने कहा कि टीम भावना जीवन की कई चुनौतियों को आसान बना देती है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल गरीबों को निशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराएंगे। इसकी शुरुआत गांधी मेडिकल कॉलेज के हमीदिया अस्पताल से शुरू की जाकर सभी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय आज चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधु की अध्यक्षता में हुई गांधी मेडिकल कॉलेज समिति सामान्य बैठक में लिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 16 सितंबर से पंजीयन शुरू किया जाएगा। पंजीयन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर रात 8 बजे तक जारी रहेगी। श्री तोमर ने किसानों से आग्रह किया है कि समय सीमा में पंजीयन जरूर कराएं। उन्होंने बताया कि पंजीयन एमपी किसान ऐप, ई उपार्जन मोबाइल ऐप और ई उपार्जन केंद्र पर कराया जा सकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।